बाहर बहुत गुड अच्छा मॉर्निंग एवरीवन। आज है और थर्सडे, सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे घर में करंट नहीं है, सो मैं बैठ के करंट का वेट कर रही हूँ। लो बोलते बोलते लाइट भी आ गई। चलिए फिर अब काम स्टार्ट करते हैं। आज मेरे हस्बैंड को बाहर भी जाना है 2 दिन के लिए, तो फटाफट काम स्टार्ट कर लेते। लाइट आ गई है, फिर मिलती हूँ। तो रोज सुबह की तरह ये मेरी पूजा हो रही है, और ये पूजा और मेरा ये तैयार होना मेरे हर ब्लॉग में ये कॉमन दिखेगा। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे बना रही हूँ। यहाँ मैंने आटा लिया है और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, थोड़ा अजवाइन डाला है, और उसके बाद डाल दूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च, और साथ में डालूँगी मैं नमक, और इसके बाद इसमें मेथी के पत्ते जो मैंने साफ करके काट कर रखे हुए हैं, तो और थोड़ा सा प्याज भी डाल दूँगी। वैसे भी मेथी बहुत हेल्दी होता है, सो मुझे भी डॉक्टरों ने बोला हुआ है मेथी पालक ये सब जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो खाने के लिए, तो मैं आजकल ज़्यादातर ये सारी चीज़ें लेकर आती हूँ मार्केट से। और यहाँ मैं इसे गून लूँगी, गूनने के बाद फिर इसके पराठे बना दूँगी। और आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना है बाहर, सो मुझे ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत लंच की भी तैयारी करनी है। और मैं कोई सा भी पराठा बनाऊँ तो मैं उसमें तेल और घी दोनों यूज करती हूँ। तो यह मैंने 50% ऑयल लिया, 50% देसी घी लिया है, तो मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ घी और सिर्फ ऑयल का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, और घी का जो एक तरह का स्मेल आता है, सो मेरे घर में एक दो लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं आधा तेल आधा घी लेती हूँ। और यहाँ मेरे टेस्टी पराठे तैयार हैं, और बेटी उठ गई है, सुबह के 9 बजे हैं, वो अब काम स्टार्ट करेगी, अपना ऑफिस खोलेगी, सो मैं उसे उसी के रूम में देकर आ रही हूँ ये ब्रेकफास्ट। तो मैंने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ सॉस और चटनी पीस दिया है, सॉस तक पराठे बना कर दे दिए हैं सबको खाने के लिए। उसके बाद लंच बनाया, सबको लंच दिया। लंच करने के बाद हस्बैंड बाहर चले गए, उन्हें विदा किया। और ये 2 दिन से मुझे बेडशीट चेंज करना था, सो आलस में मैं कर नहीं रही थी, तो सोचा आज ये काम भी कर लेती हूँ। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं बेडशीट उल्टा बिछा रही हूँ, तो उल्टा ही बिछाना पड़ रहा, क्योंकि मेरा ये बेड 6x6 का है, और जब से मैंने ये मोटे वाले गद्दे लिए हैं तो एक तरफ से मुझे ये छोटी पर जा रही है। किंग साइज का जो भी बेडशीट ला रही हूँ वो बाहर के साइड, अंदर जो डालना होता है वो छोटी पर जा रही है। और पहले तो प्लान था कि मैं बेड चेंज करेंगे, बेड को इसको बेच कर दूसरा ले लेंगे, पर बात वही आ गई कि मुझे अपने पुरानी चीज़ों से बहुत प्यार होता है, सो इस बेड के साथ भी मुझे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं इसे बेच नहीं रही हूँ। इसे आज धो दिया है मैंने, अभी देखती हूँ सुखाने के बाद पहन करके ये श्रिंक हुआ है या नहीं। तो इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, अब नहीं आ रही है, मैंने बहुत अच्छे से धोया है इसे, अब स्मेल नहीं आ रही, तो डालने जा रही हूँ। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? पता है एक एक दिन ना मैं इतनी थक जाती हूँ,
मेरा और कुछ करने का मन नहीं करता। आज सुबह उठ गई थी जल्दी, फिर ब्रेकफास्ट बनाया। मेरा तो रोज का जो रूटीन होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर नहाना पूजा, फिर मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद फिर लंच, ऐसे ही हो जाता। और आज हस्बैंड को बाहर भी जाना था, सो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद लंच बनाया, फिर उनको भी विदा किया। विदा करके फिर एक दो कपड़े धोए और लंबा करके देखती हूँ कैसा लगा। थोड़ा बेटर लग रहा तो उसे धोया, धोकर सूखने डाला। ये बेडशीट भी बदलना था, कल बदलना था, लेकिन कल आलस आ गई मुझे ज्यादा, तो मैंने नहीं बदला कल। और ये जो मोटे वाले गद्दे होते हैं ना, एकदम अच्छे नहीं लगते हैं, इस पे मुझे बेडशीट बिछाना बहुत मुश्किल लगता है, लगता है बहुत मुश्किल वाला काम किया ऐसा लगता है। सो इसे चेंज किया, अभी 5:10 बाकी हैं 5 बजने में। अभी घर में दो लोग थोड़े बीमार से हो रहे, थोड़े टायर्ड फील कर रहे हैं। उठकर बात करती हूँ बैठकर। सो क्या हुआ ना, मेरी बेटी का एक फ्रेंड दुबई में जॉब करता है, जो आया हुआ था तो वो वापस जा रहा था एक महीने बाद, एक महीने की छुट्टी आया था तो वो वापस जा रहा था। तो मेरी बेटी गई उससे एक दिन पहले मिलकर आई और नेक्स्ट डे पता लगा कि उसका फ्रेंड कोविड पॉजिटिव है। सो मेरी बेटी को हमने क्वारंटाइन कर दिया एक रूम में और 7 डेज तक वेट किया, कुछ हुआ तो नहीं। फिर हमने वो किया, टेस्ट किया, कोविड टेस्ट किया, तो कल रिपोर्ट आया बेटी का, तो नेगेटिव था। सो राहत मिली, लेकिन आज वो वीकनेस ऐसा बोल रही है। और आज मेरा बेटा भी बीमार है, उसे भी कोल्ड हो रहा, फीवर है, ऐसा है। तो अभी शाम हो गया है और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। मैं सोच रही हूँ अदरक वाली चाय बना कर दोनों को पिलाती हूँ, दोनों बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। और बस आज का दिन तो ख़त्म हो गया, फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।